बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 12वीं की हिंदी पुस्तक से पार्ट 2 निराला भाई को समझा रही हूँ। उसका सार ऐसा है, यह श्रीमती महादेवी वर्मा ने लिखा है, जो कि निराला भाई यानी कि निराला भाई जी के ऊपर है। लेखिका महादेवी वर्मा प्रसिद्ध लेखक निराला जी के साथ घटित कई घटनाओं की साक्षी रही हैं। उन्होंने उन्हें काफ़ी पास से देखा है तथा समझा है। उन्होंने इस संस्मरण में उनके साथ घटी हुई घटनाओं और उनके स्वभाव का चित्रण किया है। महादेवी वर्मा के अनुसार निराला जी संवेदनशील, उदार, दयालु, सहृदय, आतिथ्य प्रेमी, फक्कड़ किस्म के व सदा निर्धनता में जीवन व्यतीत करने वाले रहे हैं। वे एक स्पष्टवादी व्यक्ति थे, अपने बारे में सही बात करने से नहीं चूकते थे। एक बार रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में कवयित्री महादेवी वर्मा ने उनसे उनकी सूनी कलाइयों को देखकर प्रश्न किया तो उन्होंने उत्तर दिया, कौन बहन मुझ जैसे भुक्कड़ को भाई बनाएगी। कवि बड़े सरल हृदय व हमेशा दूसरों का दुख दूर करने की प्रवृत्ति के कारण निर्धनता में रहते थे। वे दूसरों का कष्ट दुख दूर करते थे, खुद कष्ट सहकर। एक बार सर्दी की ऋतु में उन्होंने खुद के लिए बड़े प्रयत्न से बनाई गई कोट व रजाई भी किसी गरीब को दे दी और खुद कांपते हुए सर्दियां काट दी। हमेशा वे आर्थिक संकट से जूझते रहे। इसके कारण वे अपनी मातृविहीन संतान की भी उचित देखभाल नहीं कर पाए व अपनी पुत्री के अंतिम समय में असहाय बने रहे व पुत्र को उचित शिक्षा भी नहीं दे पाए। एक बार उन्होंने कवयित्री महादेवी वर्मा को 300 रुपये देकर अपना बजट बनाने के लिए कहा, पर बजट बनाते बनाते उन्होंने अपने सारे पैसे ज़रूरतमंद लोगों को दे दिए। एक बार प्रसिद्ध कवि मैथिली चरण गुप्त उनके यहाँ अतिथि के रूप में पधारे। जब वे आए तो वे दिया सलाई के प्रकाश में उन्हें लेकर तंग सीढ़ियों से एक सुविधा रहित कमरे में पहुँचे। कमरे में ढंग का बिस्तर भी नहीं था। फिर उन्होंने अपनी धोती, चादर, जो कुछ भी मिला उसे बिछाकर बड़े प्यार से उन्हें विराजमान किया। अतिथि सत्कार करने के लिए उन्होंने एक बार कवयित्री से जलावन लकड़ी व घी भी मांगा।